राष्ट्रीय संत रामराव महाराज यांना भारतरत्न देण्याची मागणी. हरित क्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना भारतरत्न देण्याची मागणी. संपूर्ण भारतात बंजारा समाज वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रवर्गात विखुरले आहे, ज्यांची लोकसंख्या 15 कोटी आहे. आज भारतात 100 खासदार 400 आमदार हे बंजारा समाजाच्या लोकसंख्येने निवडून येतात. आज तेलंगणा कर्नाटकमध्ये बंजारा समाजाच्या मतावर सरकार स्थापन झाले, पण समाजाच्या समस्या व त्यांच्या विकासासाठी कोणतेही सरकार लक्ष देत नसल्याने दिसून येत आहे. पण आता हे चालणार नाही. आज बंजारा समाजाचे अनेक समस्या तोंड देत आहेत. थांबवण्यासाठी समाज राजनैतिक चेतना जागृती करण्यासाठी दक्षिण भारत महाराष्ट्र और मध्य भारतमध्ये बंजारा सेवालाल समिती स्थापन केली आहे. या समितीद्वारे भारतभर जनजागृती रथयात्रा काढण्यात येणार आहे. जो पक्ष बंजारा समाजाला महत्त्व देईल तोच पक्ष सत्ता स्थापन करेल अशी प्रतिक्रिया माहिती हॉटेल चंद्रलोक येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत तेलंगणाचे माजी खासदार रवींद्र नाईक, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड व माजी मंत्री बाबूराव चव्हाण, विद्याधर नाईक, अश्वर्ता नाईक आदींची या पत्रकार परिषदेत उपस्थिती होती. आज भारतवर्ष में ऐतिहासिक समाज जो बंजारा समाज है, जो भारत की एकता अखंडता को बचाते हुए अनेक समस्याओं से जूझते हुए भी आज अपने अपने टांडों में जो शहर से गांव से दूर रहते हुए भी भाईचारा बनाते हुए देश के लिए, देश आज़ाद होने से पहले भी काम किया, आज़ादी के बाद भी आज देश के साथ बंजारा खड़ा है. ये बंजारा समाज जो है विभिन्न नामों से विभिन्न स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर विभिन्न श्रेणी में रखा गया, जैसा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में अनुसूचित जनजाति लिस्ट में है, और कर्नाटका, हिमाचल, दिल्ली प्रदेशों में शेड्यूल कास्ट के अंदर है. उसी तरह बंजारों का जो राज्य है अपना महाराष्ट्र, जहाँ पर वसंतराव नाईक जी चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ का बंजारा जो है विजय एंटी श्रेणी में है. वो भी उस वक्त जो वसंतराव जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने वो दर्जा दिलाया और रिजर्वेशन दिया, और बाकी राज्य जो जितने भी है वहाँ पर बंजारों की उपजाति जो है, जैसा कि बाजीगर बंजारा, सिरकीबंद बंजारा, बादी बंजारा, और ये बंजारा शब्द को शेड्यूल कास्ट के अंदर रखा गया और बंजारा शब्द को जो है वो लिस्ट से अलग किया. तो अब हमारा मेन डिमांड है पूरे देश में बंजारा समाज को जहाँ पर एससी एसटी श्रेणी में नहीं है वहाँ पर इनको एसटी श्रेणी में लाने का हमारा प्रधान डिमांड है, जिसके लिए हमने आज दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और मध्य भारत के बंजारों के लिए सेवालाल समिति के नाम से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसका कन्वीनर हमारे भारत जी रवि नायक है, और जिसके लिए हमने प्रधान डिमांड रखा है इनको शेड्यूल ट्राइब की श्रेणी में लाना है. दूसरा, आज जो बंजारा समाज के आज करोड़ों लोग तकरीबन इन राज्यों में, जो 10 राज्य अभी मैं जो बताया आपको, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और मध्य भारत में, यहाँ पर 100 पार्लियामेंट सीटों में बंजारों की अधिक संख्या में वोटर्स है, और 400 असेंबली स्थानों में इनका प्रिडोमिनेंट पॉपुलेशन है. ये केवल बंजारा समाज वोटों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इनको अधिकार में, पावर में भागीदारी नहीं मिल रही है. तो हमारा प्रधान डिमांड है जो भी पार्टी, जो भी पक्ष आज बंजारों को अपना कर अधिकार में भागीदारी बनाएंगे, उसके साथ बंजारा समाज जाएगा, अपने डिमांड्स को वो सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा, जिसके लिए हमारे जो भगवान समान भगवान ही है सेवालाल महाराज, उनका और उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले रामराव महाराज जी, वो भी महाराष्ट्र के ही हैं, रामराव महाराज जी और वसंतराव नायक जी जो हरित महाराष्ट्र का क्रिएटर है, इन दोनों को भारत रत्न देने के लिए भी हम ये प्रधान सेकंड डिमांड हमने रखा है. उसी तरह जो अब हम केंद्र और राज्य सरकार से
हम ये रिक्वेस्ट करते हैं जो बंजारा समाज को अपनाएगा, उनके समस्याओं को सॉल्व करेगा, वही पक्षों के लिए कल के दिन अधिकार में आने का मौका मिलेगा। और इसके लिए बंजारा समाज को उनके समस्याओं को परिष्कार करने के लिए ये हर सरकार को प्रयत्न करना करने के लिए हम जो है ये संगठन द्वारा हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। और इसी तरह हमारे सेवालाल महाराज जी का एक स्टैचू बंजारा हिल पे जब पड़ाव डालते थे उन प्रांत में उनका एक स्टैचू के लिए भी हम डिमांड करते हुए आज आप लोगों के सामने यहाँ हम सरकार से विनती करते हैं। धन्यवाद।